नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस 2020 के आंसर की के पार्ट थ्री को देखेंगे। इसकी भाषा हिंदी है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। इसमें कुल 26 प्रश्न शामिल किए गए हैं और ये पार्ट थ्री है, तो लगभग 77 क्वेश्चन टोटल आपका कवर हो जाएगा इस एपिसोड के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। यह लेख किसने लिखा, क्या बहिष्कृत बोल सकते हैं, गायत्री स्पिवाक। क्वेश्चन नंबर 52 है, यह पक्ष किसने रखा था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता के बहुत तर्क होते हैं, कैनेथ वाल्ट जी इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको भी इसका उत्तर मालूम है, अगर आपको लग रहा है कि यह उत्तर गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, यूके में राजमुकुट होता है, राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 54 है, विकासात्मक अधिकारी तंत्र का प्रतिपादक कौन था, यानी कि डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी का प्रतिपादक कौन था, तो जोसेफ ला प्लाम बोरा था। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस देश में अम्बुड्समैन जो कि प्रथम एवं प्राचीनतम शिकायत निवारण तंत्र है, कहां का है, स्वीडन। स्वीडन में जो है सबसे पहले अम्बुड्समैन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, स्वीडन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सी सत्ता प्रणाली का प्रतिपादक मैक्स वेबर नहीं था, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुदारवादी सत्ता प्रणाली, कंजर्वेटिव अथॉरिटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सी शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है, पंक्तिबद्ध न होना यानी कि नॉन अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसने शक्ति को तीन आयामी मार्ग के रूप में परिभाषित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा मिशेल फुको। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन परिवार एवं राज्य में मध्यस्थता के रूप में नागरिक समाज को देखा है, इसका सही उत्तर होगा हिगेल। अगर आपको किसी भी उत्तर पे शंका हो रहा है कि ये उत्तर गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं, आपके शंका का समाधान जरूर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन से अलगाव की वकालत मार्क्स ने नहीं की थी, राज्य से अलगाव यानी कि एलाइनेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द स्टेट। राज्य के सरकारीकरण की बात कौन करता है, मिशेल फुको करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति की बड़ी छवि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संसद में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे होना चाहिए किस भारतीय ने संसद में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी। और प्रश्न अगर बनता है कि भारतीय संसद में लोकपाल शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था, तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने ही किया था। और लक्ष्मीमल सिंघवी जो है ये 1967 तक जो है सांसद रहे, किस सीट से, जोधपुर सीट से जो राजस्थान में है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने ही सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, अगर आपको लग रहा है कि लक्ष्मीमल सिंघवी नहीं होगा और आपके पास भी उसका कोई सबूत है जो ये सिद्ध करता हो कि लक्ष्मीमल सिंघवी इसका सही उत्तर नहीं होगा, तो आप हमें जो है ईमेल कर सकते हैं nitishkumarys@gmail.com पर, या कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं, आपके उत्तर का जो है जांच परख के बाद शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट योजना का मुख्य प्रतिभागी नहीं था, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड बेवेल, क्योंकि आप जानते हैं कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था जिसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैंडर्ड फोर क्रिफ शामिल थे, तो मुख्य प्रतिभागी नहीं था लॉर्ड बेवेल। क्वेश्चन नंबर 65 है, लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा को कहां से लिया गया है, इसका सही उत्तर होगा मिलिट्री से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, होमो हायरार्किकस पुस्तक किसने लिखी थी, इसका सही उत्तर होगा ल्यूस ड्यूमांट ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, काल्पनिक समुदायों के रूप में राष्ट्रवाद का विचार किसने दिया, इसका सही उत्तर होगा बेनेडिक्ट एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 68 है, नागरिक समाज बनाम राजनीतिक समाज विचार विमर्श किसके लेखन में दिखता है, तो इसका सही उत्तर होगा पार्था चटर्जी के लेखन में। क्वेश्चन नंबर 69 होगा, विचारधारा का अंत किससे संबंधित है, तो डेनियल बेल यानी कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी किससे संबंधित है, डेनियल बेल से। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से
किसने परमाणु अपप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 71 है, परिसीमन आयोग संबंधित है चुनावी निर्वाचन क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 72 है, सभ्यताओं के टकराव के विचार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा सैमुअल पी हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 73 है, गलत युग्म की पहचान करें। सेवा शिक्षक जो है गलत युग्म है, क्योंकि इसमें जो आईबीए दिया है वह जो है आप जानते हैं बैंकिंग कर्मियों से संबंधित है। बीकेए दिया है वह जो है आपका कृषकों से संबंधित है, यानी कि किसानों से संबंधित है। और जो आईटीयूसी दिया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वह जो है श्रमिकों से संबंधित है। तो सभी पेयर सही थे, लेकिन सेवा शिक्षक वाला पेयर गलत था। क्वेश्चन नंबर 74 है, यानी कि 74 है, प्रार्थना याचिका एवं विरोध किसकी नीतियां थी? ये हो जाएगा नरमपंथियों की नीतियां थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है, यह जो है उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है, राज्य को समाज के अन्य संस्थाओं में कौन भिन्न संस्था बनाता है? इसका वैध हिंसा पर अधिकार है, यह जो ऑप्शन है यह सही होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकतंत्र को बहुतंत्र की संज्ञा किसने दी है? रॉबर्ट ढल। तो ये रहा आज का 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी उत्तर पे जो टारगेट विद नीतीश के द्वारा दिया जा रहा है किसी भी प्रकार का शंका है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट को जो है विचार में लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आपका उत्तर जो है कितना सही है। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आज दोपहर 12 बजे जो है पार्ट 4 भी मैं देने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा टारगेट विद नीतीश पर। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत, फिर मिलेंगे आज दोपहर 12 बजे। 25 जो शेष बच गए हैं, 120 क्वेश्चन में आप जान चुके हैं कि 75-77 क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं, तो जो शेष प्रश्न बाकी हैं उन सभी के उत्तरों के साथ मैं मिलूंगा आपसे 12 बजे। तब तक के लिए सुविदा, नमस्कार।